फिरोजपुर च ICICI बैंक नाल ऑनलाइन 15,47,00,000 रुपए की ठगी। फिरोजपुर शहर माल रोड से स्थित ICICI बैंक चो किसी अनपछाते व्यक्ति ने बैंक के सॉफ्टवेयर राही करोड़ों रुपए चोरी कर लए। इस घटना संबंधी बैंक अधिकारियों वालों दी गई लिखी शिकायत के आधार पर थाना सिटी की पुलिस ने अनपछाते व्यक्ति खिलाफ IPC और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दी वख-वख धाराओं तहत मामला दर्ज करके दोषी की भाल शुरू कर दी गई है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया SP इन्वेस्टिगेशन फिरोजपुर रणधीर कुमार ने दसिया कि ICICI बैंक के अधिकारियों वालों पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि किसी अनपछाते व्यक्ति वालों ICICI बैंक लिमिटेड फिरोजपुर शहर के बैंक के सॉफ्टवेयर में 15,47,46,177 रुपए चोरी कर ले गए हैं। उन्होंने दसिया कि फिरोजपुर पुलिस को यह शिकायत मोहाली तो मिली सी और जांच तो बाद फिरोजपुर पुलिस ने एक अनपछाते व्यक्ति खिलाफ मामला दर्ज करके दोषी की भाल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि बैंक के सॉफ्टवेयर तो करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले दोषी को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जल्द ही दोषी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पंजाब च 5,994 EPT अध्यापकों की भर्ती ते रोक, जानो की है पूरा मामला। पंजाब च भर्ती प्रक्रिया तो बाद चुने गए 5,994 एलीमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग ETT को नियुक्ति पत्र देने से पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई दौरान अदालत ने कहा कि अजिहा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट च भी आया सी, जिस तो बाद कंस्टिट्यूशनल बेंच स्थापित किया गया सी। इसकी जजमेंट 18 जुलाई नू राखवी कर दी गई सी। अदालत ने कहा कि उक्त हुक्मां दी अजे उड़ीक की जा रही है, इसलिए वर्तमान पटीशन ते कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत के दिशा निर्देशों तो बाद सरकार वालों अदालत च कहा गया कि निर्धारित तारीख तक सरकार चुने गए उम्मीदवारों नू नियुक्ति पत्र नहीं देवेगी। पटीशनर ने पटीशन दाखिल करके कहा है कि सरकार ने उक्त अहुदियां लई इश्तिहार देण अते अर्जियां लैण तो बाद नियमां च बदलाव करदियां सी श्रेणी दे अहुदियां ते भर्ती लई पंजाबी विषय दा टेस्ट पास करन दी शर्त रख दित्ती। इस च 50% अंक लैणा जरूरी कर दित्ता गया। उक्त शर्त च राखवीं श्रेणी दे उम्मीदवारां नूं कोई छूट नहीं दित्ती गई, जो कि संविधान दा उलंघन है। यही नहीं, श्रेणी A, B ते D दे अहुदियां दी भर्ती च पंजाबी विषय दा टेस्ट नहीं रख्या गया। इस संबंधी संबंधित विभाग भर्ती कमीशन समेत मुख्यमंत्री नूं भी रिप्रेजेंटेशन दिती गई, पर कोई नतीजा नहीं निकलिया, जिस तो बाद उम्मीदवार हाईकोर्ट आ गए सन। पंजाब च शैलर मालकां दी हड़ताल खत्म, मंत्री कटारू चक नाल मीटिंग मगरों लिया गया फैसला। पंजाब सरकार दे यतना सदकान शैलर मालकां ने अपनी हड़ताल खत्म कर दिती है। राइस मिलर्स एसोसिएशन ने यह फैसला कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक नाल मीटिंग तो बाद लिया। मीटिंग मगरों जारी बयान च लाल चंद कटारू चक ने दस्या कि मिलरां दे बहुते मामले केंद्र सरकार नाल संबंधित हन। मंत्री कटारू चक ने अनाज भवन चंडीगढ़ च पंजाब दे वख-वख हिस्सों तो आए मिलर्स एसोसिएशन दे नुमाइंदियां नाल मीटिंग कीती। इस दौरान उन्हां दीआं केंद्र सरकार नाल संबंधित मंगां ते विस्थार पूर्वक चर्चा करदे हुए अगलेरी कार्रवाई हित केंद्र सरकार नूं भेजण दा फैसला होया। एसोसिएशन वल्लों हड़ताल खत्म करन दी हामी भरी गई। इस मौके मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान दी अगवाई वाली पंजाब सरकार मिलर्स दीआं वाजिब मंगां ते मिलर भरावां नाल चट्टान मांग खड़ी है। दसनयोग है कि भारतीय खुराक निगम ने विशेष तत्तां वाल चौल दे मसले ते शैलर मालकां नूं ताड़ दिता है ते निगम दीआं शर्तां दी पूर्ति चौल मिल मालकां दे वस दी नहीं है। इस लई पंजाब च राइस शैलरां दे मालक 10 अक्टूबर तो अनमिथे समें दी हड़ताल ते सन। पंजाब सरकार दा सरकारी स्कूलां लई वड्डा ऐलान, जारी होया नोटिफिकेशन। पंजाब सरकार ने वड्डा ऐलान करदे होए सूबे दे 25 सरकारी स्कूलां दे नाम बदल दित्ते हन। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग वल्लों इन्हां स्कूलां दे नाम बदल के मशहूर शख्सियतां दे नां ते रखे गए हन। इस संबंधी पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यह नोटिफिकेशन पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री दी प्रवानगी तो मगरों जारी की गई है। जिन्हां स्कूलों के नाम बदले गए हैं उन्हां दी सूची इस तरह है। सरकारी एलीमेंट्री स्कूल दरिया मूसा जिला अमृतसर, सरकारी मिडिल स्कूल गोनियाना कलां जिला बठिंडा, सरकारी मिडिल स्कूल बागा जिला बठिंडा, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल शेखपुरा जिला बठिंडा, सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल महिमवाणा जिला फरीदकोट, सरकारी प्राइमरी स्कूल लहरा बेट जिला फिरोजपुर, सरकारी प्राइमरी स्कूल सिद्धपुर जिला गुरदासपुर, सरकारी हाई स्कूल सीड़ा जिला गुरदासपुर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मसानिया जिला गुरदासपुर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटली सूरतमल्ली जिला गुरदासपुर, सरकारी प्राइमरी स्कूल मुगूवाल जिला होशियारपुर, सरकारी हाई स्कूल गुरधरी सिंह जिला लुधियाना, सरकारी प्राइमरी स्कूल चनकोयान कलां जिला लुधियाना, सरकारी हाई स्कूल कनकवाल चहला जिला मानसा, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल पैनी बागा जिला मानसा, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पादरा जिला मानसा, सरकारी हाई स्कूल बूढ़ा गुजर जिला श्री मुकतसर साहिब, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटमट्टी जिला पठानकोट, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल करौली जिला पठानकोट, सरकारी हाई स्कूल नरलू जिला पटियाला, सरकारी प्राइमरी स्कूल बरूवाल जिला रूपनगर, सरकारी हाई स्कूल खटकड़ कलां जिला सस्सा पब्बा सस्सा नगर, सरकारी मिडिल स्कूल बटोली जिला SAS नगर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंडीविंड जिला तरनतारन, सरकारी एलीमेंट्री स्कूल वेन क्वीन जिला तरनतारन।